Vishnu Economic School. Today we are going to discuss regarding universal set. और universal set क्या होता है वो पढ़ेंगे. किसी भी set का कोई भी possible outcome we are discussing. ठीक है. Like universal set is nothing but all the possible element which is occurring in the discussion. किसी भी discussion की बात कर रहे हैं, किसी भी set की बात कर रहे हैं. Suppose मैंने A set की बात की, B set की बात की. ठीक है. और कोई भी पॉसिबल आउटकम जो ए और बी दोनों में नहीं है. ठीक है. बट स्टिल देयर इन आर डिस्कशन. तो वी कैन कंसिडर दैट एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट. ठीक है. एक एग्जांपल से बता देती हूँ. जैसे मैंने ए सेट में लिया है 1, 2, 3 एंड बी सेट में लिया है 2, 4, 5 एंड 6. ठीक है. और सी सेट में मैंने लिया है 1, 3, 5 एंड 7. सबसे पहले तो अपन ए बी की वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं और उससे पहले देखते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाएगा, दैट इज बाय यू. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे. ए में आपने किस किस चीज़ का जिक्र किया, दैट इज 1, 2 एंड 3. ठीक है. अब देखिए बी में क्या बात कर रहे हैं, 2, 4 एंड 5, 2 एंड 4. ठीक है. 2 तो विच इज ऑलरेडी देयर इन ए सेट, बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है. तो 4 की बात की एंड 5 की बात की जो कि अलग है बी सेट में. ठीक है. और क्या है, 6 है. अब देखो सी में 1, 3 एंड 5 विच इज ऑलरेडी देयर इन आर यूनिवर्सल सेट, नीड नॉट टू इंक्लूड अगेन. ठीक है. ओवरलैपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आपने इंक्लूड कर दिया है विच इज मोर देन इनफ. अब देखो यहाँ पे एनीथिंग एक्स्ट्रा इफ यू गेट टू सी इन सी सेट देन यू कैन इंक्लूड इट, दैट इज 7. ठीक है. तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और आप इसको बात कर सकते हैं क्योंकि यही सारे पॉसिबल आउटकम थे जो आपने ए और बी और सी सेट में बात की थी. ठीक है. दैट वुड बी नोन एज यूनिवर्सल सेट. अब देखो इनका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है थ्रू डायग्राम, उनको बोला जाता है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम एज नथिंग बट द विजुअलाइजेशन ऑफ दीज सेट्स. ठीक है. यू कैन स्टैब्लिश वेरियस रिलेशंस और यू कैन गेट टू नो अबाउट द रिलेशंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. ठीक है. इसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि भाई जो रिलेशन है क्या ए और बी में क्या कॉमन है. ठीक है. अगर मान लो ए बी को इंक्लूड नहीं करना चाहता या बी ए को इंक्लूड नहीं करना चाहता तो कैसा डायग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन जस्ट गेट टू नो. और यहाँ पे ए और बी दोनों अगर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको कैसा डायग्राम देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. या फिर ए एंड बी दोनों किसी चीज में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी किसके थ्रू, वेन डायग्राम. ठीक है. इजीली आपको चीजें समझ में आएगी. अब मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे कि भाई ये जो आपको 1 एंड 2 इज गिवन, ठीक है, एंड 4, 5 इज गिवन और 3 इज कॉमन, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये ए है, ये बी है और आपका यूनिवर्सल सेट इज गिवन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. यूनिवर्सल सेट गिवन है. अब देखो ए में क्या क्या चीजें थी, 1, 2, 3 हो गया. बी में क्या क्या चीजें हैं, 3, 4 एंड 5 हो गया. ठीक है. ये चीजें आपको देखने के लिए मिल गई. अब ये जो चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है तो आपको इस सेट से पूरे से आपको ये पता चल गया कि भाई ए अकेले के पास क्या है, 1 एंड 2 है. ठीक है. बी अकेले के पास क्या है, 4 एंड 5 है. दोनों के पास क्या है, 3 आपको देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है. इजीली यू कैन गेट अ ग्लैंस थ्रू द डायग्राम. अब क्या चीजें दोनों में नहीं है, ठीक है, विच इज देयर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए एंड बी. ठीक है. तो वो कौन सा हो जाएगा, 6, 7 एंड 8. अब ये चीज कैसे और समझ सकते हैं. सपोज आपको कोई पूछ रहा है कि 1 एंड 2 को, 1 को आप नाम दे दो द हिंदू न्यूज़पेपर दे दिया. ठीक है. 2 को आपने नाम दे दिया मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया. ठीक है. और आपने 3 न्यूज़पेपर दे दिया, जैसे कि आपने कोई भी न्यूज़पेपर दे सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस दे दिया.
फोर को आपने नाम दे दिया इकोनॉमिक्स टाइम्स दे दिया, ठीक है, फिफ्थ को आपने नाम दे दिया हिंदुस्तान टाइम्स दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पांच न्यूज़पेपर आपको पता है। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि भाई ए जो ग्रुप है वो ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता है, बी जो ग्रुप है वो ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता है, लेकिन ये जो थर्ड वाला न्यूज़पेपर है ये ए एंड बी दोनों ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है। और कौन से, मतलब ए एंड बी, ऐसा कौन से न्यूज़पेपर है जो ए एंड बी दोनों नहीं पढ़ते, वो है 6 नंबर का न्यूज़पेपर, 7 नंबर का न्यूज़पेपर और 8 नंबर का न्यूज़पेपर। तो ये इजीली आप किसके थ्रू समझे, वेन डायग्राम्स के थ्रू समझे, ठीक है। तो ये एलिमेंट विच इज नॉट अवेलेबल इन ए एंड बी सेट बट देयर इन द यूनिवर्सल सेट, तो इसको यूनिवर्सल सेट भी आप समझ गए होंगे। वेन डायग्राम, ये मैंने एक छोटा सा ग्लेंस दिया है कि हाउ कैन वी विजुअलाइज द वेन डायग्राम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेट्स, लेकिन इनके रिलेशंस अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।